टी20 वर्ल्ड कप जीतकर लौटी टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुकी है। पीएम ने करीब 2 घंटे तक टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की, फिर टीम एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। कुछ देर बाद भारतीय टीम चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई के लिए उड़ान भरेगी, फिर शाम 5 बजे से विक्ट्री परेड होगी। परेड के लिए ओपन रूफ बस तैयार हो चुकी है। टीम इस बस में सवार होकर नरीमन पॉइंट से बानखेड़े स्टेडियम तक जाएगी, फिर सम्मान समारोह में कैश प्राइज दिया जाएगा। यहां फैंस को फ्री एंट्री दी जाएगी। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि भारतीय टीम की विक्ट्री परेड के लिए रूट डाइवर्ट किए गए। हमने MCCA, MCA और BCCI से चर्चा की है। इससे पहले टीम इंडिया ने होटल ITC मौर्य में स्पेशल केक काटा। यहां कप्तान रोहित शर्मा सहित ऋषभ पंत, सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी भांगड़ा करते नजर आए। टीम सुबह 6:10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची थी। यहां कप्तान रोहित शर्मा, BCCI सचिव जय शाह और प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी ने केक काटा। यहां भारतीय फैंस अपने चहेते हीरोज की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। टीम इंडिया तूफान की वजह से बारबाडोस में 3 दिन से फंसी थी। BCCI ने उसे लाने के लिए स्पेशल विमान भेजा। इस प्लेन का चैंपियंस 24 वर्ल्ड कप रखा गया है।